हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी स्टाफ्स की वैकेंसी आपके पास यहां पर देने की स्टाफ्स की वैकेंसी, एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। यानी नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ्स की वैकेंसी जिसमें जो पद होने वाले हैं वो होने वाले हैं लगभग 300 के आसपास, यानी कि 300 के आसपास यहाँ पर टोटल पद होने वाले हैं जिसके अंदर अलग अलग होंगे। ANM के पद भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, और मेडिकल ऑफिसर्स के और नर्सिंग ऑफिसर्स के काफ़ी अलग अलग पद हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर कम्प्लीटली जानकारी करने देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो चिकित्सा अधिकारी यानी कि मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी देख लीजिए, जिसके अंदर जो टोटल पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी वो 22 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके न्यूनतम 22 वर्ष और अधिकतम क्या है 40 यानी कि 47 वर्ष आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको MBBS डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर आपको इंटरव्यू देना है और डायरेक्टली इंटरव्यू के हिसाब से आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी, तो यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर के जो टोटल पद होने वाले हैं वो होने वाले हैं 110 आपको यहाँ पर टोटल पद देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर जो एज लिमिट रहने वाली है मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। जिसके अंदर जो JNM कैंडिडेट हैं वह वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जाति मूल ये होना चाहिए, साथ ही साथ आपका राजस्थान का क्या होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है RNC सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर ANM के पद भी दिए गए, जिसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो 300 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसकी एज लिमिट भी आपको 18-40 रहने वाली है। इसके अंदर आपको ANM कोर्स कम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है इसके अंदर 38 पद आपको दिए गए हैं, एज लिमिट आपकी सेम ही रहेगी। इसके अंदर भी आपको BPharma या DPharma का जो कोर्स होता है, डिग्री होती है, वो आपके पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की जो टोटल पद हैं 30 पद आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर DMLT और BMLT का कोर्स कंप्लीट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं कि आप कहाँ से इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो डायरेक्टली आपको दिया गया है ये देख लीजिए, डायरेक्टली आपको कहाँ से इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, वॉकन इंटरव्यू देना है आपका छोटा सा, ठीक है। और जो फार्मासिस्ट है उनकी UTP आधार पर जो रिक्त पद हैं वो इस डायरेक्टली आपकी जो परसेंटेज के आधार पर आपकी यहाँ वैकेंसी होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।